अंबिकापुर के कोतवाली थाना में पदस्थ तत्कालीन टीआई समेत 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोतवाली थाना में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। इन पुलिसकर्मियों पर आदिवासी युवक पंकज को आत्महत्या के प्रेरित करने का आरोप तय किया गया है। गौरतलब है कि इस साल जुलाई में चोरी के आरोपी पंकज बेग को पूछताछ के लिए साइबर सेल में रखा गया था, लेकिन 22 तारीख की सुबह उसका शव साइबर सेल के समीप स्थित एक निजी अस्पताल कैंपस में कूलर के सहारे लटका मिला था, जिसके बाद मामले में न्यायिक जांच भी हुई थी और पुलिस अपनी विभागीय जांच भी कर रही थी। इसी बीच मर्ग पंचनामा के आधार पर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में तात्कालिक नगर निरीक्षक विनित दुबे, सब इंस्पेक्टर प्रियेश जॉन, मनीष यादव और आरक्षक लक्ष्मण दास और डीडी सिंह के खिलाफ 306 और 34 IPC के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। गौरतलब है कि इस मामले में आरोपी बनाए गए सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को घटना के दिन ही सरगुजा रेंज IG KC अग्रवाल ने निलंबित कर दिया था। जी, अभी इसमें मर्ग जांच पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कोतवाली में अपराध क्रमांक 4712/19 दर्ज किया गया, जिसमें 306 और 34 IPC एक्ट के तहत ही अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें उन्हीं लोगों के खिलाफ जिन जो अभी निलंबित हैं, विनीत दुबे निरीक्षक, प्रियेश जॉन, मनीष यादव दोनों उप निरीक्षक हैं, और लक्ष्मण दास और डीडी सिंह, इन लोगों के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी किस तरह का मामला था सर, इसमें क्या? एक चोरी के आरोपी थे पंकज बेग, वो उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था और वो पुलिस के भी रक्षा से भाग करके डॉक्टर के परिसर में आत्महत्या कर लिए थे, तो उन्हीं में मर्ग जांच में हम लोगों ने यह अपराध पंजीबद्ध किया है। सारे राइट्स जो उनके होते हैं वो वही करेंगे भाई, वो उसको FIR को क्रश कर। जो आया था जांच रिपोर्ट से अपन को क्लेम शीट मिला था, तो वो उसी पे धरा था, वो आत्महत्या ही वहाँ पर, मतलब वहाँ पे लटका है और लटकने का जो है वो एंटीमार्टम है उनके, और